कभी कभी ना हम जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग दे देते हैं, पर ये जिंदगी भी कुछ कम नहीं है, अपना हिसाब पूरी तरह से करती है। वक्त आने पर कहीं किसी मोड़ पर जिंदगी अपने रंग यूं बदलती है कि हम इंसानों के पास उस बदलाव को अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अरे ये कपड़े देखकर आप धोखा मत खाइए, असल में बात यह है कि मैं बस अभी अभी लंदन से आया हूँ, कुछ ही घंटों पहले। हाँ, अक्सर जाता हूँ लंदन। एक्चुअली लंदन में भी मेरे डायमंड्स का बिजनेस काफ़ी हद तक फैला हुआ है। और यार, हम तो गुजराती लोग हैं, धंधा करना कैसे ही छोड़ेंगे। और हाँ, आप लंदन की ठंड तो आप जानते ही होंगे, बस इसलिए ये। और हाँ, ये कहानी सिर्फ मेरे या मेरे लंदन में होने की नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइगर। मैं उसे प्यार से टाइगर बॉय कह के बुलाता था। वैसे वो टाइगर बॉय पूरी सोसाइटी का कुत्ता था, पर असल में सिर्फ मेरा। आई डोंट हैव अ फैमिली, एज इन आई डोंट स्टे विद देम। तो हाँ, जो भी था टाइगर ही था। टाइगर बॉय कभी मेरा दोस्त बनता तो कभी मेरा भाई। He was my family. पूरे दिन वो अभी के साथ खेलता, पर शाम होते ही मेरे साथ। अभी मेरा पड़ोसी, रुकिए, उसकी कहानी आप कुछ ही देर में वैसे ही सुनोगे। अभी बात टाइगर बॉय की करते हैं। तो टाइगर बॉय मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। किसी दिन किसी मोड़ पर मुझे वो शेर की तरह दूसरे कुत्तों पर दहाड़ते दिखा। मैंने अपने हाथ से उसके सिर को सहलाया और कहा, काम डाउन टाइगर बॉय, और बस हम दोस्त बन गए। सो सिंपल। पता है, टाइगर को अनलाइक माय सो कॉल्ड फैमिली जरा भी परवाह नहीं है कि मैं अमीर हूं या गरीब, या मेरे पास कितने पैसे हैं। वो मेरे इन कम उम्र में कमाए हुए पैसों के पीछे नहीं था। मैं उसे दिल से प्यार करता था और वो मुझे। पर आज जैसे ही मैं लंदन से आया हूं, मैं सबसे पहले उसे मिलने गया। बस अभी एक दो घंटे पहले की बात है। वो अभी के साथ था, घर पर नहीं, कहीं और। पर आज वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकारे जा रहा था और वो बस जोर जोर से भौंके जा रहा था, जैसे मुझे वो ढूंढ रहा हो। पर मैं वहीं पर था। मैं उसे चीख कर पुकारता हूँ, टाइगर मैं यहाँ हूँ टाइगर। पर वो मुझे सुन नहीं पा रहा था। मैं उसे और चीख कर पुकारता हूँ, टाइगर क्या हुआ, टाइगर टाइगर टाइगर। और फिर मुझे मेरी मौत याद आती है। कल लंदन में, हाँ, लंदन की किसी मोड़ पर मुझे एक पेट शॉप दिखा। मैंने सोचा टाइगर के लिए कुछ ले लेता हूं। मैं जैसे ही सड़क पार कर रहा था कि पीछे कुछ
मुड़कर जब होश खोते खोते देखा तो मेरे भाई ने ही मुझे शायद पैसे चाहिए थे उसे। पर इन सब में टाइगर और मैं फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। थोड़ी आग लग गई थी, आजकल तो कहीं भी नींद लग जाती है। यू नो जब दादू हुआ करते थे, फैमिली डिनर्स वर थिंग, वी ऑल यूज्ड टू लाफ लव and most importantly we all live now, so we just exist like I do now. पता है दादू कभी भी बाहर की परेशानियां घर में नहीं लाने देते थे। हर शाम घर घर लगता था दादू के पीजेस, उनकी शायरी, पुराने हिंदी गाने, दादी का दादू को छेड़ना, माँ के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े, माँ की वो स्माइल। पता है डैड भी अपनी हॉबीज का हमेशा प्रदर्शन करते रहते थे। एंड टाइगर बॉय, टाइगर बॉय इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉग। पता है मम्मी हमेशा कहा करती थी कि अभी टाइगर बॉय बिल्कुल तेरी तरह है, एकदम रेस्टलेस और इम्पल्सिव। टाइगर वो हमारा पेट नहीं था, वो हमारे पड़ोसी सोम भैया का पेट था। वो जब भी काम के सिलसिले में लंदन जाया करते तो हमेशा टाइगर बॉय को मेरे पास ही छोड़ के जाया करते थे। टाइगर बॉय के प्यार में इतनी ताकत थी कि उसने पूरे परिवार को जोड़ के रखा था। आई वॉज 14 देन एंड आई रियली विश आई वुड हैव स्टेड 14 ऑलवेज। टाइम फ्लू, थिंग्स चेंज, दादू पास्ड अवे, डैड फेल्ड इन हिज बिजनेस, दादी डाइड, फैमिली डिनर्स वर नॉट अ थिंग एनीमोर, dad's drinking was, mom's yelling was, the crazy fight or anything. I've learned in these 5 years, people change, circumstances do, and in all these changes, you break. I've seen what happens when my dad loses it. अभी 4 दिन पहले मुझे मॉम को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। थिंग्स गॉट सो मेस्ड अप दैट आई थॉट ऑफ किलिंग हर और हिम और मे बी माय सेल्फ। नाउ बीइंग द रेस्टलेस एंड इम्पल्सिव अभी विच आई एम, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और मैंने अपने पापा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा मॉम
Mom and Dad were hugging each other, saying sorry to one another. As if nothing happened. In fact, उन्होंने मुझसे भी बोला, अभी we are sorry and we are trying to start fresh. I realized I screwed up the game. To make things worse, आधे घंटे में पुलिस आई, पड़ोसियों से पूछताछ करी और पापा को गिरफ्तार करके ले गई. मॉम को सब समझ आ गया. मॉम स्लैप्ड मी हार्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड दैट्स व्हेन आई न्यू दैट आई लॉस्ट द गेम एंड आई लेफ्ट होम. और तब से मैं बस यही मिस्टर सहानी यहाँ के सिविल कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल ध्यान नहीं देते. अब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या, किसी को भी आने दो. मैंने और रोहन ने ये घर बहुत प्लानिंग के बाद खरीदा है. रोहन, मेरे और रोहन की दोस्ती पापा की वजह से है. आई गेस पापा वॉज वेरी श्योर कि उन्हें रोहन जैसा ही दामाद चाहिए. दामाद नहीं, छेले बोलते हैं. रोहन डैड एंड पापा वर बैचमेट्स एंड नाउ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स. तो उन्हीं की मिली भगत से हम दोनों मिल गए. पापा वॉज वे मोर एक्साइटेड देन एनीवन एल्स. तो वो सबको प्राउडली जाके बोलते, मेजर रोहन शर्मा 26 AD रेजिमेंट. पर पापा के कन्विक्शन से ज़्यादा तो मैं कन्विंस थी. जिस दिन मैंने पहली बार रोहन को वर्दी में देखा, मैं तो उसी दिन उसकी फ़ैन बन गई थी. आई ऑलवेज फेल्ट स्पेशल अराउंड हिम, ऑलवेज. एंड इज़न्ट इट द बेस्ट फीलिंग टू लिव विथ? यू नो, छोटी छोटी खुशियाँ लाइक लॉन्ग वॉक्स ऑन द गोल्फ कोर्स, वाइट लिलीज बाय द बेड, तीखे गोलगप्पे, वो भी कोलकाता स्टाइल. And of course, हमारी वो after party late night bike rides at army mess. Oh God. Now we are married for more than a year, and I feel it. I feel so right about the last year that's gone by. पता ही नहीं चला. I'm sure आप सबने किसी ना किसी हिंदी मूवी में ये ज़रूर सुना होगा कि प्यार करना आसान है पर निभाना मुश्किल. But for us, the army wives, things are tad different. For us, ek fauji se pyar karna was far more aasan. And ek fauji se pyar nibhana, ask me about that, bahut bahut mushkil. 8 mahine baad, Rohan got transferred to Rajouri sector, Kashmir, on some surveillance program. Rohan jante the that mujhe padhna pasand hai. And I'm little old school. I'm still little old school. तो वो अक्सर मेरे लिए खत लिखा करते थे. You know, personal touch. And ये letters मुझे उनके पास होने का एहसास दिलाते थे. I mean, दिलाते हैं. वो personal touch जो शायद WhatsApp में या messages में missing होते हैं. फिर 2 महीने बाद ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया. ये चिट्ठी उनकी आखिरी चिट्ठी थी. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज कमांडिंग ऑफिसर सेइंग दैट रोहन सीज़फ़ायर वायलेशन में शहीद हो चुके हैं. Thank you.
मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। नो, रोहन मेरी कमजोरी नहीं, ताकत है। वो हमेशा बोलते थे दैट प्रिया वी फाइट टू विन एंड विन विद द नॉकआउट बिकॉज देयर आर नो रनर्स अप इन अ वॉर। गिव इट अ शॉट प्रिया, यू कैन डू दिस। एंड मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अब अपने लिए नहीं सर, इस कंट्री और हम दोनों के लिए जीऊंगी। और जब भी मैं ये वर्दी पहनती हूँ ना, आई फील हिम, हिज टच, हिज प्रेजेंस विद इन मी। So let me introduce myself again. I, Lieutenant Priya Sharma, Indian Army, a proud wife of Martyr Major Rohan Sharma. Jai Hind. Assalamu alaikum. Isn't it wonderful to see these women become such powerful forces? Lieutenant Priya Sharma, what an inspiration. And me, Zahira Khan. I am really trying hard to understand how religion serves purpose in one's life and where does love fall in the picture? I'm just about to meet Asif, a guy that my parents have chosen for me. Please don't get them wrong. They've always been supportive of all my decisions since childhood. I wanted to do marketing, I was supported. I wanted to learn Kathak, I was encouraged. To be honest, religion never mattered. And it shouldn't. It shouldn't, right? Saying that, I remember the day I met Milind Kulkarni. He was the most handsome guy in the office. I would just get distracted as I'd steal glances at him. He was like this, you know, yaro ka yaar, and his personality drew everyone in. One day, I just walked past him and he said, "Hey." And then I found out that he is also a South Indian living in Mumbai. I immediately sent him a text and we began chatting. Soon we went for a coffee. And there I was just surprised to know that I could open up so much to him. And we just clicked, you know. And we started falling in love. We loved each other despite knowing that we were from different religious backgrounds. But then I confessed to my parents. And they were like, "Is he going to convert? Is he going to do namaz? When you know it's impossible, why are you trying?" Even his parents, they didn't like it at all. They just started giving him examples of all the failed interreligious marriages. Matlab, kitni bhi koshish kar le, par parents maanne ko tayar hi nahi the. Kuch 2.5 साल बाद मेरे खुशी के खातिर अब्बू मान गए। आई पुट माई फुट डाउन एंड आई कॉल मिलिंद एंड हिज फैमिली टू मीट माइन। आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज 14th of August एंड आई वॉज जस्ट एक्साइटेड, इलेटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। वी वर ऑल सेट टू वेलकम देम होम, बट ही He decided that it was best for us to part ways. They never came. Coincidentally, उस 15th August को भी एक मुसलमान और एक हिंदू के बीच एक लकीर खींच दी गई थी। Today, he's engaged. And it still hurts, you know, to accept that.
आई एम ट्राइंग टू हील. इट्स नॉट इवन बीन अ मंथ सिंस आवर ब्रेकअप. I try to read namaz 5 times a day. I've even managed to stop looking at his online profile, but it just hurts. I don't know if Asif and I will ever have a future together. Because my past with Milan is so strong. Sometimes I wonder if I'll ever be able to love again. Will I? I'm 20 now, completed my first year in college and definitely tired of dating boys. मतलब I swear यार अब मैं स्कूल में तो हूँ नहीं और ना मेरा सोचने का तरीका वैसा है. I'm a grown up girl now और college की एक साल ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि अपने life के decisions खुद कैसे लेने हैं और खुद को emotionally कैसे handle करना है. Trust me, all the boys that I've been with, उनके साथ रहके ना मुझे उनकी girlfriend से ज़्यादा उनकी मम्मी वाली feeling आती है. Like, there's no sense of maturity in aajkal ka boys. Now that's when I realized, I don't want to be with a boy. I want to be with a man. And that's where he comes in the picture. Vikram. You know how the story started? We met online on a dating app. Trust me, all my past experiences thode kharab hi rahe hain. Because clingy emo dude or stupid cool dude se zyada mujhe aaj tak wahan kuch mila hi nahi. But in sab ke beech there was this one match jiske bare mein likha tha, how underrated is Masaan as a film. Text delete and again delete ka silsila kuch lamba chala. But then I sent him a reference from the movie itself. I sent him a udta hua balloon as a gif. He got the hint and he sent me another. With that he sent me a text which said, तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ. वाह, कॉन्वर्सेशन के इसी मोड़ पे आई फेल समथिंग. लाइक इट वाज अ वियर्ड फीलिंग, इट वाज पॉजिटिव बट आई फेल समथिंग. लाइक कुछ हुआ, यू गेट इट. बट आई न्यू दैट तू किसी रेल सी इज गोइंग टू बी आ सॉन्ग नाउ. कट टू मी एंड विक्रम स्टार्ट टॉकिंग एवरी डे. ही हैज अ बिजनेस इन दुबई एंड अ वेरी डिसिप्लिंड शेड्यूल जिसकी वजह से वी कुड ओनली मेक कॉल्स इन द नाइट. विक्रम ऑलवेज टोल्ड मी कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताऊं नहीं. कीपिंग हिज ट्रस्ट, उसकी मैच्योरिटी की वजह से ही तो पहले हम कैजुअल फ्रेंड्स थे, फिर अच्छे फ्रेंड्स हो गए, फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, फिर लव स्टार्ट हो गया. बट फिर पप्पा केम इनटू द पिक्चर. कल शाम तक सब इतना अच्छा चल रहा था बट पूरी स्टोरी पलट गई. डैड टोल्ड मी गिविंग विक्रम अ गुड बाय किस. Oh yes, he has come all the way from Dubai. और कल हमारी first non-virtual date थी. I know के parents थोड़े protective होते हैं, लेकिन उन्हें इतना तो समझना चाहिए ना कि I'm grown up enough कि I can decide whom I want to fall in love with, whom I want to hug, whom I want to kiss, whom I want to go on a weekend getaway with. You get the hint. Vikram's taking me on a getaway this weekend. I also don't know what we are going to do. Romantic ना? लेकिन ये मेरे ओवर ड्रामेटिक पेरेंट्स को कौन समझाता, इसलिए वो जागे ना उससे पहले ही मैं भाग गई. अब जो होगा वो कल देखा जाएगा. आई एम गोना एंजॉय टू डू. ओह जस्ट अ सेकंड यार. हाँ विक्रम,
Yeah, I'll be there at 15. ये मुंबई की बारिश, आज मेरी पहली डेट थी। नहीं गेसेस, मुंबई की बारिश ने मेरी पहली डेट को और भी स्पेशल बना दिया। आज जब हम लोअर परेल के एक छोटे से चाइनीज रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, हमारी मुलाकात इस मुंबई की बारिश से हुई। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी जो आपको शायर बनने पर मजबूर कर दे। बारिश तेज थी, बहुत तेज। हाँ हाँ बता रहा हूं, हम यानी कि मैं और साक्षी, साक्षी साक्षी कोल्हापुर की एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है और यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई। और मैं दुबई से खास उससे तो मिलने आया हूँ। हमारा प्यार भाई ऑनलाइन हो। अब मैं नहीं जानता कि हम ऐसे बारिश के मौसम में अपने अम्ब्रेला जान मुझ के भूले या फिर एक्चुअली, पर जो भी कहो, पहली डेट, मुंबई की बारिश और साक्षी। परफेक्ट इज़न्ट इट? नॉट रियली। टैक्सी, अरे टैक्सी, टैक्सी, हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी और ऊपर से हम दोनों चश्मिश। अब तक चलते चलते हमारे शरीर का हर एक हिस्सा गीला हो चुका था, अब चश्मे भी पहुंचते तो कैसे? बस यही मौका, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मैंने कहा डोंट वरी, आई हैंडल इट, कम। उसे गले लगकर हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर चलने लगे। ना कुछ कहा, ना एक दूसरे की तरफ देखा। देखते भी कैसे, चश्मे में बरसात जो बरस रही थी। हमें कुछ दिख नहीं रहा था और ना ही कुछ देखने की जरूरत महसूस हो रही थी। सुनो, तुम्हारा फोन दे दो, जेब में रख लेता हूं ना। और फिर मैंने साक्षी का फोन लिया और वहीं सड़क पर गिरा दिया। लोकेशन ट्रैक हो जाती तो उसे तो पता भी नहीं चला। और फिर हम चलते चलते पहुंचे शक्ति मिल के कंपाउंड के अंदर, जहां मैंने जेब से क्लोरोफॉर्म भरा रुमाल निकाला और उसकी नाक पर रख दिया। कहानी खत्म। हाँ, अब वो आपको मिलेगी दुबई के रेड लाइट एरिया में। मेरा नाम तो अक्सर बदलता रहता हूँ। खैर, अभी के लिए विक्रम। और विक्रम अपने वीकेंड गेटअप के लिए तैयार है। ना इस बदलती जिंदगी को अपनाने के अलावा हम सबके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जिंदगी के स्टेशन पर जब वक्त की गाड़ी छूट जाती है तो कभी जिंदगी पटरी पर आ जाती है तो कभी पटरी से उतर जाती है।
एक्शन पापा वो सो एक्साइटेड ओके कट